नमस्कार, बलिया लाइव के डेली पॉडकास्ट हाल समाचार में आपका स्वागत है। बलिया जिले में क्या चल रहा है, सुनिए लेटेस्ट अपडेट हमारे रेजिडेंट एडिटर कृष्णकांत पाठक से। नमस्कार। कुर्बानी का पाक त्योहार ईद उल अजहा बुधवार को मुस्लिम बस्तियों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए लोगों ने सुबह अपने घरों में नमाज अदा किया। कुछ लोगों ने 4-5 की संख्या में दूरी बनाकर नज़दीकी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा किया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। बिना गले मिले एक दूसरे को बकरीद का मुबारकबाद दिया। कुर्बानी का सिलसिला चलता रहा। मुस्लिम बंधुओं ने शासन के निर्देश का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही कुर्बानियां दी। बच्चे चिंता मुक्त होकर मित्रों को गले लगा रहे थे। हमारे नगरा संवाददाता संतोष द्विवेदी ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से थानाध्यक्ष डीके पाठक पुलिस बल के साथ दिन भर चक्रमण करते रहे। लोगों ने नमाजियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दिया। सिकंदरपुर संवाददाता संतोष शर्मा ने बताया कि बुधवार को परंपरागत तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नगर में सफाई के साथ ही मार्गों पर चूने का छिड़काव कराया गया था। मस्जिदों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बिलथरा रोड संवाददाता उमेश कुमार गुप्त ने बताया कि बकरीद के त्यौहार के मद्देनज़र उभाव SHO ज्ञानेश्वर मिश्र व सीयर पुलिस चौकी प्रभारी अतुल कुमार मिश्र ने फोर्स के साथ नगर क्षेत्र में भ्रमण किया। जनपद के अन्य भागों में भी शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज अदा की गई। मनेर थाना क्षेत्र के बंधे के किनारे बने गड्ढे में 62 वर्षीय अधेड़ सत्येंद्र कुमार सिन्हा उर्फ मूलचंद पुत्र दुर्गा चरण सिन्हा निवासी बालूपुर का शव बरामद हुआ है। उभाव थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2.5 लाख रुपए की कीमत की 25 ग्राम हेरोइन, एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी राकेश चौरसिया उर्फ टाइगर पुत्र दीनदयाल निवासी बीबीपुर का चालान न्यायालय भेज दिया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गोंड के बलिया आगमन पर सर्वत्र जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा के जिला कार्यालय पर मोदी योगी के जिंदाबाद के नारे के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर डॉक्टर संजय का स्वागत किया। बिरवारबारी ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित हनुमान मंदिर पर भाजपा नेता डॉक्टर संजय का उत्साहपूर्वक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिकंदरपुर संवाददाता के अनुसार डॉक्टर संजय गोंड का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद दिया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया है। बलिया में 25,000 का इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भीमपुरा पुलिस ने 15 वर्षीय किशोरी के तथाकथित तौर पर अपहरण करने एवं उसके साथ बलात्कार करने के 3 वर्ष के पुराने मामले में पुरस्कार घोषित आशीष तिवारी को गिरफ्तार किया है। आशीष मऊ जनपद का रहने वाला है और यह मामला 18 जून 2018 का बताया गया है। नमस्कार।